14 देखिए, यदि दो कोटि की एक सारणी के सभी अवयव शून्य या एक हो तो सारणी का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है, यह हिंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, हम लोग अगर हम लोग बात करें दो कोटि के सारणी का तो उसमें चार जगह हो जाएंगे, तो इन चार स्थानों पर दो अवयव हमें शून्य या एक रखना है, यानी इसका हो जाएगा 2 का पावर 4। हम लोग है ना, दो दो अवयवों को रखना है और चार स्थानों पर, 2 का पावर 4 यानी कि 16 टोटल आपके, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं सारणिकों की संख्या हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि दो कोटि के सारणिकों की संख्या जिसमें जिसमें सभी अवयव 0 या 1 हो, क्या हो जाएगा इसका, 2 का पावर 4 यानी कि 16 को ऐसे सारणिक बन सकता है। अच्छा, अगर हम लोग धनात्मक मान वाली बात करें, धनात्मक मान वाले सारणिक कौन कौन से होंगे देखिए, मतलब जिसका पॉजिटिव वैल्यू है 0 और 1 का ही यूज करें तब भी। तो देखो, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। अच्छा, ऐसे हो जाएगा 1 1 0 1, और क्या हो सकता है 1 0 1 1, और कोई नहीं होगा क्योंकि बाकी सबके ऋणात्मक मान हैं, इन्हीं लोग के धनात्मक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये तो सेम ही हो गया, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यही ना 3 को मिल रहे हैं, चलिए और कोई नहीं होगा, यही 3 वो होंगे जिसका धनात्मक मान होगा। तो हमें अगर हम लोग प्रायिकता निकालनी है किसने, सारणिक का धनात्मक मान हो उसकी प्रायिकता, तो कितने सारणिक ऐसे होता है 3 और टोटल है 16, 3/16 इसकी प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर